मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कला में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बैठक में कौन कौन से बड़े बड़े फैसले लिए गए आपको बताते हैं कि बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों को देने स्कूलों एवं कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने कोरोना के संक्रमण को रोकथाम के लिए मास्क की अनिवार्यता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रिपरिषद की सभी सदस्य मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अन्य विभाग के सचिव उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें एक बड़ा फैसला लिया कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के दिन 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों को देने की इसमें बैठक में इस बात की पुष्टि हुई। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में द्वितीय किस्त की राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों स्कूलों एवं कॉलेजों में जुलाई माह से दाखिला की प्रक्रिया प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार परिस्थितियों को देखकर अगस्त से कक्षा प्रारंभ करने के बारे में विचार किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ किसानों को 20 अगस्त से राजीव किसान निधि सम्मान निधि का दूसरी किस्त जारी किया जाएगा। मंत्री चौबे एवं अकबर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व की भांति सभा एवं और समारोह का आयोजन स्थगित रहेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई है लेकिन राजस्व की आवक नहीं हो पा रही है। केंद्र से पिछले वर्ष की 1400 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिली है। राज्य सरकार इसके लिए हर माह राज्यों को मिलने वाले टैक्स के हिस्से के लिए केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर रही है। इन परिस्थितियों में सरकार के अनुपयोगी खर्च में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। ये कह रहे हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री अकबर। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के प्रयासों की समीक्षा, क्वारंटाइन सेंटरों और आइसोलेशन केंद्रों की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। प्रदेश में 3 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अन्य प्रदेशों से वापस लौटे हैं। इन्हें क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया था। क्वारंटाइन की 14 दिनों से 28 दिनों की अवधि पूरी कर बड़ी संख्या में श्रमिक अपने घर लौट चुके हैं। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण के प्रदेश में 3 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक लौट चुके हैं जिसमें कोरोना का बड़ा फैलाव नहीं हुआ है। स्वास्थ्य, पुलिस, नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुस्तैदी से संक्रमण रोकने के लिए काम किया है। इससे प्रदेश में काफ़ी हद तक संक्रमण को रोकने में हम सफल हुए हैं और आगे के संक्रमण फैलने की आशंका कम है। प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के अनुसार अभी 70,000 से अधिक मजदूर छत्तीसगढ़ लौटेंगे। अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटेंगे, इन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। लॉकडाउन के संबंध में उन्होंने बताया कि बस ट्रांसपोर्ट अभी बंद है, फिलहाल बंद रहेगा और राज्य और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार जो गतिविधियाँ शुरू हो चुकी है उन्हें रोका नहीं जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास पर करियाला में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले किए जिसे आपको मैंने अभी बताया। तो इसमें बड़ी फैसले की बात की जाती है, 20 अगस्त से किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों को दी जाएगी। उसके साथ ही स्कूलों एवं कॉलेजों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क अनिवार्यता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव अन्य विभाग के सचिव उपस्थित थे। तो 20 अगस्त से किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी किया जाएगा और स्कूलों एवं कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके साथ ही अगस्त से स्कूलों की कक्षाओं को भी शुरू करने का इस बैठक में विचार किया गया है। तो इस भूपेश कैबिनेट की बैठक जो आज शाम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें राजीव गांधी किसान योजना की दूसरी किस्त 20 अगस्त से किसानों को मिलेगी। उसके साथ ही स्कूलों एवं कॉलेजों के दाखिलों के प्रयास शुरू करने, कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क अनिवार्यता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो ये था भूपेश कैबिनेट की कुछ अहम बैठक जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए SC24 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। उसी साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाना छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।